तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली के अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े और आप लोगों के लिए डेली नए नए अपडेट वीडियो मिलता रहे और आप लोगों का मनोरंजन होता रहे। तो चलिए आज के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आज के अपडेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो सभी है वो भोसले हाउस से निकल चुकी है और उसके बाद वहाँ पे जो है सभी लोग जो है उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो भोसले हाउस से बाहर चली जाती है। जाने के बाद वहाँ पर देखती है कि एक स्मारक दिखाई देता है रास्ते में, और उसके बाद जो है वहाँ पे उसके इसका स्मारक में उसके आई बाबा की जो है वो तस्वीर भी रहती है। तो थोड़ी देर वहाँ रुक जाती है और उसे जो है नींद भी लग जाती है, और वो जैसे ही आँख उसका बंद होता है तो थोड़ी देर में एक चोर वहाँ पे आता है और आने के बाद जो है उसके बैग को लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उसे मारने लगता है, और उसके बाद जो है वो चोर भाग जाता है। उसके बाद वो सोचती है कि रात कहाँ बिताई जाए, क्योंकि सुबह जो है उसे एग्ज़ाम भी देना है। और उसके बाद वहाँ पे भोसले हाउस का जो एक स्टाफ रहता है उसके घर में चली जाती है। वहाँ पे वो जो है रात में सोती है, फिर सुबह जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए भोसले इंस्टीट्यूट आती है। वहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, सभी लोग एग्ज़ाम देने लगते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर के लोग आते हैं, चेक करते हैं और सभी को एग्ज़ाम में जो है बीच में ही रोक देते हैं और सभी को हॉल में बुलाया जाता है। उसके बाद जहाँ सारे लोग जब हॉल में पहुंच जाते हैं तो तीन लोगों को उठाया जाता है और उससे जो है बोला जाता है कि तुम लोगों ने जो है पेपर लीक किया है। तो वो लोग मना करते हैं, तभी उन लोगों का बैग की जो है चेकिंग की जाती है और वहाँ पर जो है उन लोगों का जो है पेपर मिलता है उसके बैग में। तभी वो लोग सभी का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने सभी से लिया है, सभी को पैसे दिया है इसका। और उसके बाद वहाँ पे जो है सभी को फंसा देता है, सभी को पकड़ कर जो है थाने ले जाया जाता है और वहाँ पे उसे जो है 5 सालों के लिए उसका एग्ज़ाम का कॉलेज और एग्जामिनेशन देना जो है बैन कर दिया जाता है। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, फिर घर पे आती है तो वहाँ पे ईशान भी रहता है, लेकिन ईशान को वो काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और ऐसा ईशान कुछ नहीं बोल पाता है। तभी वो एक चाय की ढाबा खोलती है, और चाय की ढाबा जो है कॉलेज के सीख सामने जो है खोलती है, जो कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है बच्चे आते हैं चाय पीने के लिए। और उसके बाद एक दिन राव साहब वहाँ पे उस चाय के ढाबे को जो आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह FIR लिखाने के लिए चली जाती है। दोस्तों, आने वाला अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।